बच्चों को लेकर के विवाद पति पत्नी के बीच में तो होता ही है। कई बार जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं उनको लेकर के विवाद होता है। एक ऐसे ही केस के बारे में हम लोग बात करेंगे और दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग बात कर लें। क्या दादा दादी या नाना नानी को भी बच्चे रखने का अधिकार होता है या नहीं, जो कस्टडी है उनको मिल सकती है या नहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैं आपको केसेस के बारे में बताऊंगा और एक ऐसी जानकारी देने का प्रयास करूंगा जिससे अगर आपका भी केस इसी क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो आपको समझ में आ जाए कि जी हाँ मिल सकती है कस्टडी, लेकिन उसकी क्या कंडीशंस होती है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि दादा दादी या नाना नानी को बच्चे की कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फादर को इसकी कस्टडी मिलेगी बच्चों की या नहीं मिलेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है नील रतन कुंदू वर्सेस अभिजीत कुंदू 2008 MLT सुप्रीम कोर्ट। इस केस में माफी चाहता हूं, इस केस में क्या हुआ हम लोग बात करते हैं। फादर को कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके दो टेस्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव टेस्ट क्या कि फादर फिट है बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, मतलब वो कमाता धमाता है, ठीक ठाक से रहता है, उसको कस्टडी दे दी जाए। पॉजिटिव टेस्ट क्या, बच्चे का इंटरेस्ट या वेलफेयर ऑफ चाइल्ड क्या फादर के साथ है या नहीं। तो एक तरफ नेगेटिव टेस्ट, फादर ठीक ठाक है, कमाता धमाता है, ठीक से रह रहा है, आपने बच्चे की कस्टडी दे दी, चाहे वो मदर के पास में थी या दादा के पास में थी या दादा या नाना या नानी किसी के पास में भी थी। और पॉजिटिव टेस्ट क्या, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, यहां पर फादर का इंटरेस्ट नहीं देख रही है कोर्ट, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका वेलफेयर क्या है। तो क्या इस कंडीशन पे ये जरूरी है कि बच्चे की कस्टडी हम लोग नाना नानी दादा दादी या मदर या फादर किसके पास में रखें। मेरे ख्याल से पॉजिटिव टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोर्ट भी इसी को ज्यादा ध्यान रखती है। अब एक ऐसा केस जिस केस की मैंने आपको ये नील रतन के केस के बारे में बात की थी, इस केस में मदर को काफी सारी इंजरीज आई थी फादर की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस किया, मदर को मारपीट किया और जिसकी वजह से वो जेल भी गया, अरेस्ट होकर के जेल में गया और जब जमानत के बाद रिलीज हुआ तो बच्चे की जो कस्टडी थी वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास में थी, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी के पास में थी। तो इस कंडीशन पे जहां पर नाना नानी के पास में बच्चे की कस्टडी है, पिता ने मां को मारा, मारपीट करने के बाद में वो जेल चला गया और जब जमानत पे लौटा तो बच्चे की कस्टडी क्लेम कर रहा है। कोर्ट ने इस केस में यह ध्यान रखा कि बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो काफी अच्छे से देखरेख कर रहे हैं और बच्चे की अपब्रिंगिंग का भी काफी अच्छे से वो ध्यान रख रहे हैं, तो इस कंडीशन पर फादर को कस्टडी ना दी जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में भी ध्यान रखा कि मदर की जो इंजरीज आई थी, काफी सारी जो इंजरीज आई थी वो सब कुछ फादर की वजह से आई थी, इस वजह से भी फिट नहीं होता है कि बच्चे की कस्टडी फादर को दी जाए। और बच्चे की परवरिश तो वैसे भी अच्छे से हो रही थी, तो इस वजह से हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट वो इस डायरेक्शन में थे कि जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर है, मदर अब है नहीं, तो जो बच्चे की कस्टडी है वो नाना नानी से लेकर के फादर को दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत कंसिडरेशन है, बच्चे की परवरिश अच्छे से हो रही है, बच्चे की कस्टडी नाना नानी के पास में ही रहनी चाहिए इस स्थिति में। एक दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, यह है अतर हुसैन वर्सेस सैयद सूरज बेगम का केस जो AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट ने केस निर्धारण किया। इस केस में भी जो मैटरनल पेरेंट्स हैं, मतलब नाना नानी जो मैटरनल पेरेंट्स हैं, मदर यहां पे डाइड, उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में जो कस्टडी थी उसके लिए फादर ने क्लेम किया, फादर ने ऑलरेडी एक दूसरी शादी कर रखी थी। कोर्ट ने यह ध्यान रखा कि यहां पर भी जो बच्चे की परवरिश है वो बेहतर तरीके से नाना नानी कर रहे थे, तो फादर को केवल विजिटिंग एक्सेस राइट ग्रांट किया और जो परमानेंट कस्टडी है वो ग्रैंड पेरेंट्स को ही देकर कोर्ट ने रखा। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, यहां पर भी यह ध्यान रखा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। जो पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट है 2010, पहले क्या होता था कि फादर को डोमिनेंट पोजिशन मिली थी और ज्यादातर केसेस में पिता को कस्टडी मिल जाती थी। इस अमेंडमेंट के बाद, यानी पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2010 के बाद में कोर्ट ने यह निर्धारण किया कि अब कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर हैं और हमको केवल ये डिसाइड करना है कि बच्चा किसके साथ बेहतर परवरिश में रह सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वेलफेयर किस में है, और जिसके साथ भी वेलफेयर होगा बच्चे की कस्टडी उनको मिल जाएगी। एज ऑब्वियस जो अपोजिट पार्टी है उसे एज अ नेचुरल पेरेंट मदर या फादर उसको मिलने का अधिकार कोर्ट निर्धारित करेगी।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपके पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर सकते हैं। दिल्ली में भी मुझे आप पर्सनली मिल सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद।